हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए हम बहुत बड़ी नोटिफिकेशन लेके आए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, चाहे आप एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलएम, बीएड, एमएड, एमबीए एंड प्रोफेशनल स्टडीज, यानी आप किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो आप सभी का जब से रिजल्ट आया होगा तब से आप यही बात सोच रहे होंगे कि इसकी कट ऑफ्स कब रिलीज होगा, या फिर आपकी काउंसलिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, या फिर आपकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है, देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आपको हम बताएंगे इस वीडियो में कि आपकी कट ऑफ्स कब जारी हो जाएगा, कब जारी कर दिया जाएगा, और आपकी काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट हो जाएगी। चाहे आप एम ए, एम एस सी, एम कॉम, एल एल एम किसी भी सब्जेक्ट से करना चाहते थे, या फिर आप बी एड, एम एड, एम बी ए या फिर प्रोफेशनल स्टडीज में आप एडमिशन लेना चाहते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में, या फिर किसी भी एफिलेटेड कॉलेज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे, और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, आपसे कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, और आप सही सी जानकारी पा पाएँ। तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में या फिर किसी भी एफिलेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप यूजी के हों या फिर पीजी के हों, या फिर आप प्रोफेशनल स्टडीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आपको कोई सभी कोर्सेज से, या फिर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको लगातार आपको जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम न्यूज़पेपर में ये क्या नोटिफिकेशन निकल रही है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके कट ऑफ से रिलेटेड और आपके काउंसलिंग 2022-23 से रिलेटेड। चलिए चलते हैं अपने हम न्यूज़पेपर पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आज की न्यूज़ है, और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फीस वृद्धि का नोटिफिकेशन होते ही शुरू होंगे प्रवेश। ये आपको पता होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि के नोटिफिकेशन को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स इसका विरोध कर रहे थे, और ये विरोध अभी भी फाइनल नहीं हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो भी इसका जो इस बार नई शुल्क दरों के आधार पर लिए जाएंगे दाखिले, नोटिफिकेशन होने के बाद विभागों को भेजे जाएंगे परिणाम। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी इसकी जो नई शुल्क की दर है, यानी क्या नई फीस होगी, इसके आधार पर अभी कोई भी अभी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुई है, लेकिन आप बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं इस बार नई शुल्क दरों के आधार पर आपके एडमिशन होंगे, यानी जो भी आपकी फीस है फीस में कुछ आपको वृद्धि जरूर देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर है, फीस वृद्धि का नोटिफिकेशन होते ही आपके जो प्रवेश है वो शुरू हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं, यानी आपका जो नोटिफिकेशन है फीस वृद्धि का, यानी फीस की जो बढ़ाई आ रही है, इसकी नोटिफिकेशन आते ही आपके जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड प्रोसेस है उसको बहुत ही जल्द कंप्लीट करा लिया जाएगा। चलिए हम आपको और यहाँ पर दिखा देते हैं साफ साफ क्या लिखा हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय ईवीवी में सत्र 2022-23 में फीस वृद्धि का कार्य परिषद की अंतिम मुहर लगने के बाद अब इसका नोटिफिकेशन जारी होना बाकी रह गया। नोटिफिकेशन जारी होते ही नए शुल्क दरों के आधार पर पीजी प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ईवीवी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो भी फीस है, नई फीस पीजी कोर्सेज के लिए, फीस के नोटिफिकेशन आते ही आपकी जो प्रवेश प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ईवीवी में विरोध के बीच नए सत्र 2022-23 में स्नातक एवं परास्नातक में प्रवेश लेने जा रहे विद्यार्थियों की फीस में 4 गुना तक बढ़ोतरी की गई है। देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो फीस है, जो भी इसके पहले फीस थी, जो भी आपका जो सत्र 2021-22 में जो भी आपकी फीस थी उसको 4 गुना बढ़ा दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं विद्यार्थी की फीस में 4 गुना तक बढ़ोतरी की गई है। कार्य परिषद से अंतिम मुहर लगने के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन अगले सप्ताह हो सकता है। तो इसका नोटिफिकेशन अगले सप्ताह तक आ जाएगा, यानी कि आपका 10 अगस्त तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर नोटिफिकेशन के इंतजार में ही विश्वविद्यालय और संगठन महाविद्यालयों में अब तक परास्नातक में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है। ईवीवी एवं संगठक महाविद्यालयों में पीजी की देखने पर 9544 सीटों पर प्रवेश लिए जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यानी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है ईवीवी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो फीस वृद्धि की भी नोटिफिकेशन आपको अगले सप्ताह तक मिल जाएगी। अगले सप्ताह की नोटिफिकेशन आने के बाद जो भी पीजी प्रवेश प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी जाएगी, यानी आपका 10 के बाद ही समझिए, तो यानी आपका 10 अगस्त के बाद आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने के चांसेस हैं। तो अगले सप्ताह तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो भी आपकी फ़ीस बढ़ोतरी की गई है, यानी पहले की जो फीस थी उसके मुकाबले 4 गुना फीस में वृद्धि की जाएगी। तो यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा अगले सप्ताह तक, जिसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देख सकते हैं प्रवेश समिति की ओर से पीजी के सभी विषयों का परिणाम जारी किया जा चुका है। पीजी के साथ एलएलबी, एलएलएम, बीएड, एमएड, एमबीए, एवीएआरडी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए भी प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी किया जा चुका है। प्रवेश समिति के सभी पाठ्यक्रमों के रिजल्ट के पैकेट तैयार कर लिए गए हैं। फीस वृद्धि का नोटिफिकेशन अगले सप्ताह जारी हो सकता है। इसके बाद सभी विभागों को रिजल्ट भेज दिए जाएंगे। इसके बाद विभागों एवं संगठन कॉलेजों की ओर से कट ऑफ जारी किए जाएंगे और नए शुल्क दरों के आधार पर पीजी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लिए जाएंगे। पीजी प्रवेश के चेयरमैन प्रोफेसर पी के
का कहना है कि नोटिफिकेशन के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। तो आप ध्यान दे सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, चाहे वो मेन कैंपस की हो या फिर एफिलेटेड कॉलेज की हो, तो इसकी जो फीस है पहले के जो भी पहले था तो 4 गुना तक बढ़ सकता है, यानी 4 गुना फीस में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से। तो आप यहाँ देख सकते हैं EVV यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो भी फीस है वो कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी ही, लगभग यहाँ पर 4 गुना बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, 4 गुना बढ़ सकता है। और इसका नोटिफिकेशन आपको अगले सप्ताह तक मिल जाएगा, जिसके बाद जो भी आपकी प्रवेश प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी जाएगी, चाहे आप MA MSc MCOM या फिर LLM BEd MEd MBA यानी किसी भी कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते थे। तो आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आपको 10 सितंबर यानी कि 10/9/2022 के बाद ही आपको आपकी प्रवेश प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। तो आपका कट ऑफ जो भी जारी होगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग कोर्सेज पर, वो आपको 10 सितंबर के बाद ही आपको कट ऑफ मिलेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज होगी, चाहे वो मेन कैंपस की या फिर एफिलेटेड कॉलेज की। तो आपको अभी वेट करना होगा लगभग 1 सप्ताह तक, जब भी इसकी कट ऑफ रिलीज होगी ऑफिशियल कट ऑफ सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।